साथियों नमस्कार, आपका दोस्त डॉक्टर एस पी देवंगन। और आज हम चर्चा करेंगे बैच फ्लावर के सेकेंड रेमेडीज एस्पेन के बारे में। एस्पेन नाम से ही आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा अलग टाइप से नाम लगता है। एस्पेन जो दवाई है, रेमेडीज है, जो इसका मेन जो फंक्शन है, बेचैनी, घबराहट या डर, ये एक ऐसा प्रकार का डर होता है जिसको व्यक्ति बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए रहता है और लोगों को परेशान करके चला जाता है। ये ऐसा डर है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो अचानक रोंगटे खड़े हो जाना, अचानक पसीना आ जाना, अचानक बेचैनी हो जाना, हाथों में कपकपी होना, है ना, पिंडलियों में दर्द होना, थोड़े देर के लिए आप परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि ये समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए। इस प्रकार का जो डर होता है उसके लिए हम एस्पेन दवाई का यूज़ करते हैं। बैच फ्लावर की सेकेंड मेडिसिन है। इसके फायदे ये हैं कि अगर आप एस्पेन ले लेते हैं तो जो आपको जो थोड़ा देर के लिए जो डर रहता है, ऐसा डर जिसका कोई कारण ना बताया, जिसका क्यों आया, किस लिए आया, ये आपको पता नहीं है, लेकिन जिस समय आता है वो समय आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण से पिंडलियों में दर्द होना, बुरे विचारों का आना, अंधेरे से भी डर लगना, इस टाइप से विचार आते हैं, तो ये एस्पेन के सिम्टम्स हैं। अगर हम इस दवाई को नियमित अगर 2 से 3 महीना अगर सेवन कर लें तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, खासतौर से डर से रिलेटेड समस्या, इसी प्रकार से पेन से रिलेटेड समस्या हैं, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, एस्पेन दवाई की अगर मैं बात करूँ तो एस्पेन के नियमित इस्तेमाल से आप पिंडलियों में दर्द या कभी कभी जैसे फीवर भी आ जाता है, उस पर भी आपको राहत दे सकते हैं। खासतौर से पिंडलियों के दर्द में बहुत असरकारक है ये। जो लोग बेचैन रहते हैं, जिनको नींद में बेचैनी लगती है या रात को उठ जाते हैं, बार बार उठने की आदत होती है, उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध है। जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कम या ज़्यादा होते रहता है, जैसे कभी फीवरिश टाइप से बुखार जैसे शरीर में लगना, बुखार तो है नहीं लेकिन बुखार जैसे लगना, ऐसी समस्याएं, उनको भी एस्पेन काम करता है। एस्पेन हम उनको भी दे सकते हैं जिनको जोड़ों में दर्द रहे, उनको भी दे सकते हैं। साथ ही साथ किसी चीज़ का लेकर के बहुत सारी शंकाएं होती हैं और वो उस चीज़ का तुरंत इलाज चाहते हैं, तुरंत राहत चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी रिलैक्स हो जाऊं, उनको भी हम एस्पेन दे सकते हैं। एस्पेन लेने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट आता है। कई बार देखे होंगे कि कोई हम फ़ोन में कुछ घटनाएँ सुनते हैं तो बहुत जल्दी बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, ये एस्पेन का लक्षण है। मतलब एस्पेन दवाई का ये लक्षण है कि उसको जल्दी से घबराहटा जाती है। हमने थोड़ा सा भी अगर कुछ इंस्टेंट जैसे सुना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ, है ना, तो उसी समय उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ये उनके अंदर एक सिम्टम्स आ रहा है कि वो एस्पेन के मरीज हैं। कुछ लोग उसको सुनते हैं, वो अपने अंदर इतना कैपेसिटी रखते हैं, उनके अंदर धैर्यता रहती है कि वो उस चीज़ को लेते हैं, लेकिन गंभीरता से लेते हुए भी वो शांत रहते हैं, तो उनको एस्पेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी बातों को भी सुन करके बेचैन हो जाता है, घबराहट आ जाती है, उनके लिए एस्पेन दवाई बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो एस्पेन दवाई का अपन बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, फीवर में यूज़ कर सकते हैं, दर्द में यूज़ कर सकते हैं, बेचैनी में यूज़ कर सकते हैं, हाथ पैरों में कपकपी आती है, जिसकी जो लोग 40 से 50 साल की उम्र में हो गए हैं उनके हाथों में इस प्रकार से कपकपी जैसे आती है, उनको भी एस्पेन दवाई काम करती है। साथ में थोड़े देर के लिए भी घबराहट आ जाना, अचानक पसीने आ जाना, अचानक रोंगटे खड़े हो जाने, थोड़े देर के लिए डिस्टर्ब हो जाना, इनके लिए भी एस्पेन दवाई असरकारक है। तो एस्पेन दवाई हम अगर इसको जो मरीज है उनको अगर हम दें तो वो इससे राहत पा सकते हैं। इसका सेवन अगर मैं बात करूँ, अगर कोई नए व्यक्ति को अगर कोई किसी प्रकार का झटका या सदमा लगा या किसी प्रकार की कोई समस्या है, एक कोई बेचैन रहता है या नींद की समस्या है, जिसको नींद में रात को अचानक उठ जाना, बेचैनी के कारण से बुरे सपने देखने से अचानक उठ जाना, तो उनको अगर दिन में 5-5 बूंद या गोली में लें तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम अगर लें एस्पेन दवाई, तो वो काफ़ी राहत पा सकते हैं। मैंने 1-2 महीना लें, काफ़ी आराम मिल जाता है इससे। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है, 5 से 10 साल पुराना है, तो 3 से 4 महीने ले लें, काफ़ी आराम आ जाएगा। एस्पेन दवाई को हर कोई अगर यूज़ करना चाहे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका टोटल नेचुरल है, ये फूलों के अर्क से बना हुआ है, इसलिए इससे फ़ायदे ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो आज का जो टॉपिक था कि एस्पेन दवाई के बारे में मैं जानकारी देना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आएगा।
और जिसको भी अगर लगता है कि मुझे इस दवाई की ज़रूरत है, इस सिम्टम्स की ज़रूरत है, तो वो संपर्क कर सकते हैं, और या कोई मेडिकल स्टोर से आप, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप बैच फ्लावर की दवाई संपर्क कर सकते हैं, एस्पर मेडिसिन। अधिक जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस भी डाल दूंगा मैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ज़रूरत मैंने उन तक के शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।